क्या आप टाइम एंड वर्क चैप्टर पे महारत हासिल करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ये दो पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि टाइम एंड वर्क में सारी की सारी कैलकुलेशंस, ऑल कैलकुलेशंस आर डन ऑन यूनिट टाइम वर्क। ओके, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ऑल कैलकुलेशंस आर डन ऑन यूनिट टाइम वर्क। ठीक है, हमेशा यूनिट टाइम वर्क में हम लोग सारी कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे कि अगर टाइम हमें डेज में दिया है तो हम वन डे वर्क निकालेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड यूनिट टाइम वर्क। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हम रिसिप्रोकल करेंगे टोटल टाइम का, रिसिप्रोकल, ओके, रिसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम, तो आपको यूनिट टाइम वर्क मिल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, रिसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम इज यूनिट टाइम वर्क। ओके, ऐसे हम यूनिट टाइम वर्क बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। एंड वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा का मतलब है उसी का उल्टा हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के बारे में दिया है कि ए अगर 10 डेज में काम पूरा करता है, तो 10 डेज क्या है, टोटल टाइम है इसका। अगर आप रिसिप्रोकल लोगे, 1/10 लोगे, तो ये ए का वन डे वर्क आ जाएगा, वन डे वर्क। और अगर आप वन डे वर्क का रिसिप्रोकल लोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, इसलिए वाइसी वर्सा लिखा हुआ है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।